क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 149. तो यहाँ पे जो सम गिवन है वो स्क्वायर्स है और तीनों के तीनों कंसेक्यूटिव नंबर्स का है. कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब एक नंबर अगर आप x मानेंगे तो दूसरा नंबर होगा x प्लस 1, नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 2. ये होगा. आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि एक नंबर x, दूसरा नंबर x प्लस 2, x प्लस 1 और एक नंबर आप x से पीछे वाला नंबर ले सकते हैं विच माइट बी x माइनस 1. तो जो कैलकुलेशन आपको अच्छी लगती है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, x माइनस 1, x और x प्लस 1 ये भी हमारे कंसेक्यूटिव नंबर हैं. क्योंकि देखिए, एक नंबर अगर x है, नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा, 1 ऐड करके. उससे प्रीवियस नंबर भी हमारा कंसेक्यूटिव ही होगा, तो आप एक नंबर माइनस करके भी निकाल सकते हैं. इन तीनों का अगर आप स्क्वायर करेंगे, तो हमने स्क्वायर कर दिया और इनका सम कर दिया, तो वैल्यू कितनी गिवन है, 149. और बस इसी से आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे. x माइनस 1 के स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे जो कि है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x. ये कैसे खोला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऑलरेडी 1 है, माइनस का 2 इंटू a इंटू b. तो a की जगह आप x भरेंगे, b की जगह आप 1 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा. ऐसे इसमें भी करेंगे x स्क्वायर. ठीक है, इसमें तो हमें स्क्वायर सिर्फ सिंपल लिखना है. x प्लस 1 के स्क्वायर को लिखने के लिए सब पॉजिटिव नंबर रहेंगे, सब में प्लस आएगा. x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स 149. ये 149 यहाँ साथ साथ लिखना है. ठीक है, अब x स्क्वायर वाले जितने नंबर्स हमारे पास है सबको ऐड कर लेते हैं. 3 नंबर्स हैं, तीनों पॉजिटिव हैं, ये बन गया 3x स्क्वायर. माइनस के नंबर्स मेरे पास माइनस 2x और प्लस 2x, ये तो ख़त्म ही हो गए, ये दोनों तो ज़ीरो हो गए, तो x का तो कोई नंबर ही नहीं है. ठीक है, और प्लस 1 और प्लस 1 ये ऐड होके प्लस 2 हो गए. 149 जो इक्वल के वहाँ था, यहाँ आने पर हो गया माइनस का 149 इक्वल्स 0. सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 149 में से 2 गया तो बच्चा माइनस का 147 इक्वल्स 0. 3 कॉमन लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं. 3 कॉमन लेने से यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर. इसको भी आप 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 4 जार 12 और 3 9 जार 27 इक्वल्स 0. राइट, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का 49 इक्वल के वहाँ जाने पर प्लस का 49 हो गया. तो x के कौन कौन से आंसर्स हो गए, प्लस माइनस 7. राइट, इसका स्क्वायर यानी कि यहाँ पर स्क्वायर रूट और आंसर बचा x की दो वैल्यूज प्लस और माइनस दोनों. हमें दिए गए थे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री नंबर्स, यानी कि हमारे आंसर्स जो निकलेंगे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो हम देखते हैं कि ये अगर हमारा x था तो इससे प्रीवियस नंबर क्या था, है ना, x की अगर ये वैल्यू है तो प्रीवियस नंबर क्या होगा इसका, 6 होगा, नेक्स्ट नंबर होगा 8. ये भी आंसर हो सकता है. माइनस वाला लेंगे तो माइनस 7, नेक्स्ट नंबर माइनस 8 और इससे जो माइनस 6 और इससे जो प्रीवियस वाला नंबर होगा माइनस 8. ऐसे भी आप नंबर्स ले सकते हैं. माइनस 6 इसका नेक्स्ट नंबर है और माइनस 8 इसका प्रीवियस नंबर है. नंबर लाइन पर सोचिए, आपको याद आएगा. ठीक है, तो तीनों आंसर्स करेक्ट हैं.